नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह के 7 बजे हुए हैं, 27 फरवरी 2021, आपकी करंट अफेयर्स आपके सामने है। सभी लोग रोज की तरह कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, चाय को लेकर बैठेंगे, लेकिन चुस्कियां कोई नहीं लेगा। सारे इंपॉर्टेंट बड़े आसानी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने भी है। तो दोस्तों, समय को व्यतीत न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखेंगे और हम लोग अपनी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर आपका लगा हुआ है, हाल ही में किसे OLX ऑटोज जो कि OLX ग्रुप की एक इकाई है के नए ग्लोबल सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। दोस्तों, कार्बन उत्सर्जन के बारे में यहां पर सवाल उठा है। हाल ही में फुलर टर्न इंडिया क्रेडिट कंपनी ने किसको अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। हाल ही में किसे जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है या वार्ता की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये देश आपके एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी आते हैं, जिसको आप एपेक कहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे फिर से TTFI जो कि आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने DGCA से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त किया है। दोस्तों, DGCA क्या है? DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों, नम्मा चेन्नई के नाम से नम्मा मेट्रो भी आपकी चेन्नई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी है। और दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए किस कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। और ये दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन है। चलिए, हम लोग समय को व्यतीत किए बिना अपनी क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है ये, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या है, हाल ही में किसे OLX ऑटोस के नए ग्लोबल सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अभी गौतम ठाकुर को अभी हाल ही में ऑटो ग्रुप का ही इकाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, OLX ग्रुप की इकाई है जिसको हम क्या बोलते हैं, OLX ऑटोस कहते हैं, उसका ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों, गौतम ठाकुर जी अभी हाल ही में आपके OLX ग्रुप, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, OLX ग्रुप की इस कंपनी की स्थापना हाल ही में कुछ वर्षों पहले ही 2006 में हुई थी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा OLX ग्रुप जो कंपनी है, इस कंपनी का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, यानी कि नीदरलैंड में है, ठीक है? ये कंपनी दोस्तों भारत के साथ साथ अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और USA में अपना काम करती है, जिसके माध्यम से ये OLX एप्लीकेशन के माध्यम से ये आगे आपका खरीद और बिक्री के काम भी करते हैं और ये परिवहन के काम में भी है, ठीक है? तो OLX ग्रुप की दोस्तों एक इकाई है जिसका नाम है OLX ऑटोस। ध्यान रखिएगा, OLX ग्रुप की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो OLX ग्रुप की जो OLX ऑटोस है, ये भारत में भी काम करती है, ये अफ्रीका में कार्यरत है, इसके साथ साथ दोस्तों ये लैटिन अमेरिका, जिसको आप मध्य अमेरिका कहते हैं, लैटिन अमेरिका जहां पर बहामास, जहां पनामा, जहां पर बरमूडा आदि पाए जाते हैं वहां, और दोस्तों USA में कार्यरत है। USA, लैटिन अमेरिका, भारत और अफ्रीका के लगभग 4000 कर्मचारियों को एक साथ अब गौतम ठाकुर जी हैं, ये उनको लीडरशिप देंगे। अभी तक ये लोग होता था दोस्तों, OLX ग्रुप अपने भारत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, USA में अलग अलग सीईओ बनाती थी, लेकिन इस बार पहली बार OLX ऑटोस का जो ग्लोबल सीईओ बने हैं दोस्तों, वो गौतम ठाकुर जी बने। तो अब ये ग्लोबली, इसीलिए नाम जोड़ा गया है, अब ये ग्लोबली क्या करेंगे दोस्तों, ये ग्लोबली भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और USA को एक साथ क्या देंगे, एक साथ नेतृत्व प्रदान करेंगे, ठीक है? इनका कार्यकाल दोस्तों शुरू होगा 15 मार्च 2021 से, इनका ये अपना पद क्या करेंगे, धारण करेंगे। तो ये आपका OLX ग्रुप ने हाल ही में अपना पहला ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, सभी लोग क्लास को शेयर भी कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में कौन कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा,
हाल ही में चंडीगढ़ सरकार के द्वारा, चंडीगढ़ सरकार या चंडीगढ़ के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा अभी हाल ही में वीपी सिंह जो भदावर जी हैं, वीपी सिंह ने अभी हाल ही में चंडीगढ़ में, इसको छोड़ दीजिएगा, चंडीगढ़ में अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, हाल ही में एक आपका कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप दोस्तों, इसको एक्सेस तो कोई भी कर सकता है। ये जो आपका जो एप्लीकेशन है, इसको चंडीगढ़ का कोई भी व्यक्ति या इसको बाहर का कोई भी व्यक्ति इस ऐप को क्या कर सकता है दोस्तों, इसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस एप्लीकेशन से होगा क्या, ये चंडीगढ़ में रहने वाले कोई भी व्यक्ति या चंडीगढ़ के किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट की पूरी जानकारी देगा कि किसी भी गतिविधि में, चंडीगढ़ में होने वाली जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं, उनसे कार्बन फुटप्रिंट की पूरी जानकारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। दोस्तों, कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है, ध्यान रखिएगा, मनुष्य द्वारा, इंडस्ट्रीज द्वारा, इकाइयों द्वारा किए जा रहे कार्यों के दौरान जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उसका मापन करने के लिए और उसकी जांच, मतलब उसकी पूरा उसका डाटा निकालने के लिए आपके कार्बन फुटप्रिंट, इसको कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, चंडीगढ़ के राज्यपाल वीपी सिंह या चंडीगढ़ के उप राज्यपाल जिनको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, वीपी सिंह द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन आया तो केवल चंडीगढ़ के लोगों के लिए, लेकिन इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो चंडीगढ़ के नागरिक या चंडीगढ़ के लोगों के कार्बन फुटप्रिंट्स की क्या करेगा, ये पूरा डाटा देगा, कार्बन फुटप्रिंट्स का पूरा का पूरा ये क्या देगा दोस्तों, डाटा प्रदान करेगा। तो इस तरीके से यहां चंडीगढ़ में रहने वाले जितने भी लोग हैं या चंडीगढ़ के जितने भी लोग हैं, वो लोगों का विस्तृत अध्ययन करेगा और पूरा का पूरा इलाबोरेटेड इनका पूरा रिसर्च होगा, और इससे पता चलेगा दोस्तों कि मानवीय गतिविधियों द्वारा वातावरण में कितना कार्बन आपका उत्सर्जन हो रहा है या हर आदमी एवरेज में कितना कार्बन फुटप्रिंट से अपने पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों, कार्बन फुटप्रिंट्स का डाटा देने के लिए आपका एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसको क्या बोला गया है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया गया। कहां किया गया दोस्तों, चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फुलरटोन इंडिया क्रेडिट कंपनी ने किसको अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, फुलरटोन इंडिया क्रेडिट कंपनी, इस क्रेडिट कंपनी की स्थापना 1994 में मुंबई में की गई थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अभी हाल ही में जो नए सीईओ बने हैं वो है शांतनु मिश्रा जी। शांतनु मिश्रा के अगर बारे में बात करें तो आपको मैं बता दूं, पिछले 40 सालों से ये बिजनेस के क्षेत्र में है, और ऐसे अंतरराष्ट्रीय जो बैंक है जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जैसे सिटी बैंक जो न्यूयॉर्क की है, उसमें ये एरिया रिस्क मैनेजर के रूप में काम भी कर चुके हैं। तो अभी हाल ही में शांतनु मिश्रा को आपके फुलरटोन इंडिया क्रेडिट कंपनी का क्या बनाया गया, सीईओ और एमडी बनाया गया है। मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये आपकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, इस बैंक के ये एरिया रिस्क मैनेजर भी रह चुके हैं, और इसके साथ साथ ये पिछले 20 सालों से सिटी बैंक के लिए भी कार्य कर चुके हैं दोस्तों। सिटी बैंक के लिए भी ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के और सिटी बैंक के ये एरिया रिस्क ऑफिसर या मैनेजर के रूप में कार्यरत रहे। आपको मैं बता दूं, जो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और जो आपकी सिटी बैंक है दोस्तों, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना 1969 में हुई थी, और सिटी बैंक तो बहुत ही पुरानी है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना 1969 में की गई थी और सिटी बैंक 1812 में स्थापित हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपकी जो सिटी बैंक है, इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था सैमुअल ओस्गुड। तो ध्यान रखिएगा, सैमुअल ओस्गुड उन्होंने 1812 में इन्होंने किस बैंक की स्थापना की थी, सिटी बैंक की स्थापना की थी। और दोस्तों ये कहां पर है, ये न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, ये न्यूयॉर्क में। दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है वो आपकी लंदन बेस्ड बैंक है, और इसमें भी हमारे शांतनु जो मिश्रा जी है ये एरिया रिस्क मैनेजर रह चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, शांतनु मिश्रा भी क्या बने दोस्तों, इंडिया क्रेडिट कंपनी यानी कि आपकी फुलरटोन इंडिया क्रेडिट कंपनी का क्या बनी है, सीईओ और एमडी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में जॉर्जिया के प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, और जॉर्जिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों वो है इराकली ग्रिबिशेली। अभी हाल ही में जॉर्जिया की पार्लियामेंट के द्वारा
जॉर्जिया की पार्लियामेंट के द्वारा अभी हाल ही में इराकली जी को वहां पर क्या किया गया है, वहां का पूर्ण बहुमत से वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद इन्होंने अपना जो सबसे पहला प्लान बनाया है वो है जॉर्जिया में आने वाले जॉर्डन का विकास। जॉर्डन पिछले 40 सालों से केवल महामारी और केवल असुरक्षा और केवल सबसे ज्यादा जो अल्प विकसित स्थान में आता है उनसे जूझ रहा है, तो जॉर्डन का विकास इनका सबसे पहला लक्ष्य है। तो इस तरीके से जॉर्डन का विकास, जॉर्डन की सुरक्षा और इसके साथ साथ जॉर्डन को विकसित करने के लिए इन्होंने अपना प्लान पेश किया है। तो ये आपके इराकली कौन है दोस्तों, ग्रीबी शैली है, ठीक है। ये अभी हाल ही में क्या बने हैं, हाल ही में ये आपके जॉर्जिया के क्या बने हैं, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों अगर जॉर्जिया की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है तबलिसी। राजधानी क्या है, तबलिसी। और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है लारी। कौन सी करेंसी है, करेंसी का नाम लारी है और तबलिसी यहाँ की क्या है, राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता की है। तो दोस्तों अगर त्रिपक्षीय वार्ता की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आंसर में आपका ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ कौन आया है, भारत आया, ठीक है। हाल ही में अभी भारत, इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि फ्रांस आपका एशियन क्षेत्र के आसपास नहीं है लेकिन फिर भी फ्रांस एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ काम करता है। मैं आपको बात बताता हूं इनकी, इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर अभी हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया और पैसिफिक एरिया में अपने बायलैटरल समझौते, यानी कि जो द्विपक्षीय समझौते हैं, द्विपक्षीय सहयोग है, उसके लिए इन लोगों ने अभी हाल ही में वार्ता की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर हम लोग इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया इन सब की बात करें और एशिया पैसिफिक की बात करें तो एशिया पैसिफिक के रूप में एक एपेक नाम का संगठन भी है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं इसको, जिसमें टोटल कितने देश है दोस्तों, टोटल 21 मेंबर है, यानी 21 देश है। इस संगठन की स्थापना दोस्तों 1989 में की गई थी, 1989 में यह संगठन बना था, जो कि अभी हाल ही में ज्यादा पुराना संगठन नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जकिंडा आर्डम इसके चीफ है, जकिंडा आर्डम इसके चीफ है। दोस्तों इनके बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो इनका मुख्यालय कहां पर है, सिंगापुर में है, और ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के 21 देश एशिया और प्रशांत महासागर के जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर व्यापार के जो द्विपक्षीय सहयोग होते हैं, जो बायलैटरल सहयोग होते हैं, व्यापारिक सहयोग होते हैं, उनके लिए ये लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग अपनी आपसी सुरक्षा के बारे में भी करते हैं। मैं आपको बता दूं यहां पर अगर उस साइड से हम मैप पे देखेंगे तो आपका पैसिफिक ओशन इधर भी है और इधर भी है। अगर दोस्तों देखेंगे तो पैसिफिक ओशन से हमारा यूएसए भी टच होता है, तो इस संगठन में 21 मेंबर्स में आपका यूएसए भी शामिल है, ठीक है। तो यहां पर आपका इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में क्या किया, हाल ही में अपना समझौता किया। दोस्तों फ्रांस की बात करें तो भी हाल ही में फ्रांस से हमारे भारत में बहुत सारे सुरक्षा संबंधी सौदे हुए हैं, जिनमें आपका राफेल का विमान नंबर 1 पे है, मिराज नाम का विमान भी हमने फ्रांस से ही लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हमें बहुत मदद करता है एनएसजी के लिए, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जिसको हम एनएसजी कहते हैं। ध्यान रखिएगा एनएसजी के जो रूल्स है वो बहुत टफ है और एनएसजी के रूल से बचाता है ऑस्ट्रेलिया किसको, भारत। ध्यान रखिए दोस्तों एनएसजी की बात करें तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप दुनिया के उन देशों का समूह है जिनके पास यूरेनियम है और वो परमाणु हथियारों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो देश एनएसजी में आता है वो देश एनपीटी संधि पे साइन करता है। ध्यान रखिएगा एनपीटी क्या होता है दोस्तों, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ट्रीटी। इसके इसपे संधि करने वाला देश अगर एनएसजी में है या नहीं भी है, जिसने एनपीटी पे साइन किया है, ध्यान रखिएगा वो देश कभी भी अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा भी नहीं सकता और उस पर कोई भी आपके रिसर्च भी वो नहीं कर सकता। भारत ने एनपीटी पे साइन नहीं किया है लेकिन इसके बावजूद एनएसजी भारत का विरोध नहीं करता है, किसकी वजह से, ऑस्ट्रेलिया भारत को धुआं रहित कोयला भी क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे फिर से TTFI का अध्यक्ष चुना गया है। तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं ये क्या है, ये आपके टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के क्या बनाए गए हैं, अभी नए अध्यक्ष फिर से बने हैं और फिर से चौटाला साहब, ध्यान रखिएगा फिर से चौटाला साहब आपके जो है दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से क्या बन गए हैं, इसके क्या बन गए हैं, चीफ बन गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इससे पहले
टाटा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ये बने थे 2017 में। 2017 में ये चार वर्ष के लिए बने थे दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से ये आपके 2021 में, अब 2025 तक ये रहेंगे, फिर से ये चार वर्ष के लिए नियुक्त हो गए। ठीक है, अगर इनके बारे में हम लोग बात करें, दुष्यंत चौटाला के बारे में, तो ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी है, हरियाणा के वाइस सीएम भी है। मैं आपको वाइस सीएम के बारे में बता दूं दोस्तों, उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये केवल नाम के लिए बनाए जाते हैं, जो कि मुख्यमंत्री और क्रमशः प्रधानमंत्री के पद की मदद करते हैं और उनके पद के कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, भारत के पहले जो आपके भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों, वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भारत के आखिरी जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके लालकृष्ण आडवाणी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दुष्यंत चौटाला है। अगर इनके बारे में दोस्तों हम लोग बात करें, तो आपको मैं बता दूं, जब 2017 में ये चुने गए थे, तो 2017 में चुने जाने के दौरान ये TTFI के सबसे यंगेस्ट क्या थे, यंगेस्ट अध्यक्ष थे। अभी इनकी उम्र जो है वो 32 वर्ष है, तो यंगेस्ट अध्यक्ष बने थे 2017 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, दुष्यंत चौटाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने DGCA से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर, जहां पर कहते हैं जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत प्राचीन स्थल है दोस्तों, कुशीनगर की बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना शरीर यहीं त्यागा था। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तुरंत ही हवाई पूरा कार्यक्रम पूरा होने के बाद न होने के बावजूद भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको DGCA ने अनुमति दे दी है। दोस्तों DGCA क्या है, ध्यान रखिएगा, DGCA अगर किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अनुमति नहीं देगा तो वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं उड़ाई जा सकती। ठीक है, DGCA दोस्तों 90 घंटे की ट्रेनिंग देता है, तब कोई भी इंडिया में ऑफिसर को, इंडिया में किसी भी पायलट को लाइसेंस प्राप्त होता है हवाई उड़ान भरने का। ठीक है, तो DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो दोस्तों आपके जो हरदीप सिंह पुरी जी है, ध्यान रखिएगा, आपके सिविल एविएशन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करते हैं। और दोस्तों अगर हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें, तो जो आपका DGCA है दोस्तों, DGCA की स्थापना 2007 में की गई थी दिल्ली में। ठीक है, 2007 में DGCA की स्थापना दिल्ली में हुई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपके 90 घंटे की ट्रेनिंग देने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को पायलट बनने का अधिकार देता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपने अभी नाम सुना होगा आयशा अजीज, जो कश्मीर की यंगेस्ट इंडियन पायलट बनी है, वो हो या फिर आपकी भावना कंत हो या जो भी है, सभी लोगों को इवन इंडियन एयरफोर्स में भी आपको ट्रेनिंग करने के बाद DGCA से अप्रूव होने के बाद ही उस पायलट को क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये अभी दोस्तों कहाँ हुआ है, कुशीनगर में हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें यूपी की, तो यूपी में कुशीनगर के बनने के बाद यूपी के पास 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। एक है लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। उसके बाद आता है वाराणसी एयरपोर्ट। तो वाराणसी एयरपोर्ट आपके आता है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, और आपका जो नया अभी बन रहा है दोस्तों कुशीनगर। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, लखनऊ, वाराणसी और कौन सा, कानपुर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुशीनगर एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करी है? ध्यान रखिए दोस्तों, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करी है किसने, ICICI। कोविड प्रकरण के दौरान भी, कोविड का जब प्रकोप था उस दौरान भी ICICI ने आई मोबाइल ऐप बनाया था। तो आई मोबाइल ऐप जो इन्होंने बनाया था, वो भी आपके ग्राहकों के लिए, मतलब उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राहक अपना जो ट्रांसैक्शन है, जो विड्रॉवल है, वो बड़े आराम से घर में बैठ के कर सके, इसके लिए आई मोबाइल ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, अभी ICICI ने नम्मा चेन्नई क्रेडिट स्मार्ट कार्ड क्या क्या है योजना शुरू करी है। दोस्तों अगर नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड योजना की अगर बात करेंगे, तो ये ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की मदद से किया गया है। ठीक है, यहां पर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की मदद से किया गया है। इस कॉर्पोरेशन की बात दोस्तों मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये कॉर्पोरेशन बहुत पुराना है, ब्रिटिश शासन के समय का है।
1688 में यह चेन्नई मद्रास कॉर्पोरेशन के नाम से स्थापित हुआ था, मद्रास नगर निगम के नाम से स्थापित हुआ था, और जेम्स सेकंड जो समय प्रिंस थे, जेम्स सेकंड ने इसको स्थापित किया था। और इसके साथ दोस्तों जो आपका नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड जो लॉन्च हुआ है, ये आपका चेन्नई स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन भी इसमें शामिल है। तो चेन्नई स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन भी इसमें शामिल है। तो ये इन दोनों कॉर्पोरेशन के सहयोग से आपका ये स्मार्ट कार्ड योजना जो हो रही है शुरू हो रही है, ठीक है। चेन्नई स्मार्ट कार्ड सिटी कॉर्पोरेशन की अगर बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये आपका कॉर्पोरेशन सन 2016 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दौरान आया था, जो आपका चेन्नई स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के नाम से बनाया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन है, यही कॉर्पोरेशन ही चेन्नई में क्या कर रही है, चेन्नई में मेट्रो रेल का पूरा निर्माण भी करा रही है, ठीक है। दो लेन मेट्रो रेल वहां पर भी बननी है। तो ये आपका नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड योजना जो शुरू हुई है, ये ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की मदद से की गई है, और ये दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक द्वारा की जा रही है, ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपका ये कॉमन पेमेंट क्रेडिट कार्ड होगा, जिसके तहत क्या होगा, ये वन स्टॉप योजना है, जिसके तहत जो ग्राहक है उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको एक ही स्मार्ट कार्ड से उनको सारे प्रकार के डेबिट क्रेडिट वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सहयोग से एक वन स्टॉप योजना शुरू की गई है, वन स्टॉप योजना शुरू की गई है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका क्या, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड योजना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ा दी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पिछले साल भी बढ़ाई गई थी, इस साल फिर से बढ़ाई गई है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट द्वारा, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनी स्वामी जी द्वारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनी स्वामी जी द्वारा अभी हाल ही में एक घोषणा की गई है, वहां पर तमिलनाडु की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत की गई है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो आपके तमिलनाडु स्तर के हैं दोस्तों, सरकारी कर्मचारी मतलब राज्य स्तर के कर्मचारी हैं, उनकी जो सेवानिवृत्ति है मतलब उनकी जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट की एज उनकी बढ़ा दी गई है। रिटायरमेंट की एज दोस्तों 59 से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई, 60 साल कर दी गई, ठीक, 60 वर्ष की गई। ये सारे ही कर्मचारियों के लिए किया गया है, और ये कोविड-19 की वजह से हुआ। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2020 की अगर बात करेंगे तो 2020 में इसी रिटायरमेंट की उम्र को 58 से बढ़ाकर कितना किया गया था, 59 किया गया था। तो पहले दोस्तों ये 58 हुआ करती थी, फिर ये 59 हो गई, अभी 59 थी, तो ये कितने साल हो गए, 60। ये किसने किया दोस्तों, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनी स्वामी जी ने किया है। दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के क्षेत्र में आने वाला पांडिचेरी, जिसकी सरकार गिर गई है, तो पांडिचेरी के जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और पांडिचेरी में सातवीं बार क्या लगा है, सातवीं बार वहां पर स्टेट इमरजेंसी लागू की गई है, ठीक है, सभी का क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए किस कार्ड पर रोक लगा दिया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि अमेरिका का जो सिस्टम चलता है, ध्यान रखिएगा, अमेरिकन जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एनआरआई की मदद से चलता है, यानी कि जो विदेशी है, जो विदेशी सबसे ज्यादा अमेरिका में अच्छे पदों पर और जो बहुत जिम्मेदारी वाले पद हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन पदों पर हमेशा से 66% इंडियन वहां पर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमेरिका ने अपना ग्रीन कार्ड योजना शुरू कर दी है। ग्रीन कार्ड को कोविड-19 में ट्रंप जी ने बंद कर दिया था, और ग्रीन कार्ड को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। ग्रीन कार्ड दोबारा शुरू करने का मतलब है कि अब जो विदेशी हैं, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, या इंडिया के साथ साथ अन्य देशों के लोग हैं, जो अमेरिका में रहते थे या रहना चाहते थे, या फिर पहले से रह रहे थे और कोविड-19 में वापस चले गए, तो उन लोगों को ग्रीन कार्ड मिल गया है। अब वो लोग दोबारा जाके अमेरिका में रह सकते हैं, अमेरिका में जाकर बस सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रीन कार्ड योजना क्या करता है, ग्रीन कार्ड योजना वहां के लोगों को मतलब विदेशी लोगों को अमेरिका की पूरी पूरी क्या दे देता है, नागरिकता भी प्रदान कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अमेरिका चाहता है कि अमेरिका में रहने वाले जो विदेशी मूल के लोग हैं वो लोग दोबारा आकर लौटे और दोबारा आकर वहां पर रहे। दोस्तों हाल ही में देखा गया है कि जो बाइडेन जी ने वही सारे काम किए हैं जो काम ट्रंप ने उल्टे किए थे। ट्रंप जी ने अभी क्या किया था, ट्रंप जी ने लास्ट ईयर में आप लोगों को बताया भी था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में सदस्यता छोड़ दी थी ट्रंप ने, तो अभी इस बार जो बाइडेन ने इसी सदस्यता वापस ले ली। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक से अमेरिका बाहर हो गया था ट्रंप जी के शासन में, अभी जो बाइडेन ने क्या किया है, उसकी सदस्यता वापस ले लिया। और इसी तरीके से जो बाइडेन जी ने उस चीज को फिर शुरू कर दिया ग्रीन कार्ड को, जिसको ट्रंप जी ने क्या किया था, बंद किया था।
तो दोस्तों ये है आज की आपकी करंट अफेयर्स, आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों, कल हम लोग फिर आएंगे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स को लेकर मैं आऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि क्लास को मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है। जितनी आप पढ़ेंगे, जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे, उतनी ही मेहनत हमारी आपके लिए और ज्यादा डेडिकेटेड होगी। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद।